हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और कर ही रहे होंगे एंजॉय इस विंटर सीजन में। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो काफ़ी फूडी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुकिंग की फाइल कैसे बनाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको कुकिंग का शौक है या फिर जो कुकिंग का कोर्स कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम आती है कि हम फाइल आखिरकार कैसे बनाएं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुकिंग फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से एक पेपर के ऊपर सारे टॉपिक लिखेंगे जो जो आपको कुकिंग फाइल के अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है कॉफ़ी का। फर्स्ट पेज पर आप लिखेंगे कि कॉफ़ी होती क्या है या ये क्यों मशहूर है, लोग इसे क्यों पीते हैं, इस तरीके से। सेकंड पेज पे आप लिखेंगे कि कॉफ़ी बनाने की सामग्री, यानी हमें कॉफ़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पेज पे आप लिखेंगे कि कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी अगली रेसिपी एक ड्रिंक है जिसको बनाना बेहद ही आसान है और जिसको लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। यहाँ पर पान गुलकंद शॉट बनाने की सारी सामग्री लिखी हुई है और इसके बाद इसकी विधि दी गई है कि इसको आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेसिपी भी एक ड्रिंक ही है जिसको समर सीजन में काफ़ी पसंद किया जाता है और ये एक बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है जिसको मैंगो यानी कि आम के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर सारी सामग्री दी गई है कि मैंगो मोजिटो आप किस प्रकार बनाएंगे और इसके बाद इसकी दी गई है विधि। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इन ड्रिंक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि समर सीजन में ये ड्रिंक काफ़ी टेस्टी होती हैं और हेल्थी भी होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट रेसिपी है ढोकला, जो गुजरात में काफ़ी फेमस है और गुजरात के साथ साथ अन्य सभी जगहों पर भी इसको खाया जाता है। आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं। ये काफ़ी लाइट जो है डिश है जिसको बच्चे भी पसंद करते हैं और बूढ़े भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी सामग्री दी गई है कि हमें ढोकला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ इसकी विधि भी दी गई है कि आप इसको किस प्रकार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इसको इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय डिश है जिसको बच्चे बूढ़े सभी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। ढोकला के बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी मसाला डोसा। जिस प्रकार ढोकला एक फेमस गुजराती डिश है, उसी प्रकार डोसा एक साउथ इंडियन पॉपुलर डिश है जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला डोसे की सारी सामग्री दी गई है, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए सब दी गई है। उसके बाद यहाँ पर विधि लिखी गई है कि मसाला डोसा आप कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत से लोगों ने अपने घर में मसाला डोसा ज़रूर बनाया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो इस रेसिपी को देख के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मटर पुलाव। मटर पुलाव एक लोकप्रिय व्यंजन है। वैसे तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में काफ़ी मटर आती हैं, तो अगर आप मटर से इस व्यंजन को बनाएंगे तो ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आप सभी लोग इस व्यंजन को देख के अपने घर में बना सकते हैं। यहाँ पे सामग्री दी गई थी, उसके बाद यहाँ पे विधि दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये भी आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फ्रूट सैलेड की बात कर लेते हैं। फ्रूट सैलेड काफ़ी हेल्दी होता है खाने में और स्वादिष्ट भी लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, सारी सामग्री दी गई है कि फ्रूट सैलेड में हमें कौन कौन से फ्रूट चाहिए। आप अपने पसंद के फ्रूट यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और कुछ फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, फ्रूट चाट बनाने की विधि दी गई है, तो आप भी चटपटी फ्रूट चाट जरूर बनाइए। उसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट में मिठाई की बात ना हो तो हमारा खाना अधूरा ही रहता है। यहाँ पे मैंने मूंग दाल हलवा को ऐड किया है। यहाँ पे सारी सामग्री दी गई है हलवा बनाने की, हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, और लास्ट में हमारी दी गई है विधि, मूंग दाल हलवा बनाने की विधि। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सारी डिशेस, सारी रेसिपी को अपनी फाइल में लिख सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको इनके अलावा और डिशेस को अपनी फाइल में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले रेसिपी का इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए, उसके बाद उसकी विधि लिखिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।